नमस्कार। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, 23 तारीख है, और यह फालतू के अपवाद से आप बचेंगे कि एग्ज़ाम टल रहा है कि नहीं टल रहा है। हमें इस पर कंसंट्रेशन नहीं बनाना है और ना ही इस पर विचार विमर्श करने हैं, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को साधना है और इसको लेकर चलना है। और लोग तो भटकाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कहेंगे बच्चों, लेकिन आपको भटकना नहीं है। और रही बात भटकने की, तो अगर आपका मन ही भटक जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भटकने दीजिए उसको और कोई और खीर खा जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पढ़ते रहें। और ऐसा नहीं है कि हम ये पहला क्लास ला रहे हैं CDP का। CDP आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी राज्य के टेट की बात कर लें, अगर आप बैठना चाहते हैं राजस्थान के टेट के लिए बच्चों, बिहार के टेट के लिए, MP टेट के लिए जो होने वाला है, उत्तराखंड टेट के लिए, तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी मात्र इस प्लेटफॉर्म से। आपको बच्चों मैथ बहुत बेहतर दे दिया गया है, उसके आगे या फिर उसके पीछे अगर एक भी प्रश्न आ जाए ना तो लिख जाना आके कि सर एक भी प्रश्न आया। तो बच्चों हम अगर बात करें मात्र नंबर सिस्टम पर, हमने 12 लेक्चर लिए हैं कॉन्सेप्ट वाले। मैराथन तो 3-4-5 मैराथन आए हैं, अभी और मैराथन आएंगे, लगातार मैराथन चलेंगे, घबराना मत इस बात को लेके। लेकिन जो चीजें हमने अभी नहीं दिया है आपको, वो सारी चीजें पहले दे लें। मैकडूगल का सिद्धांत आज पढ़ेंगे। सिद्धांत बहुत ही अहम रोल रखता है। जो बच्चे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण का बेहतरीन क्लास दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और सारा का सारा जो हिंदी का टेस्ट सारे हैं, हिंदी के बेसिक क्लासेस हैं, लगभग 40-50 क्लासेस हैं हिंदी के बेसिक, लगभग 16-17 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 100-100, 100-400, 500 ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, तो आप उसे कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से आके। पर्यावरण का 450 क्वेश्चन का मैराथन डाला गया है, उसे देख लेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। उसका पूरा आपको जो PDF है टेलीग्राम से मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन टिक नहीं किया गया है, आपको देखना ही पड़ेगा। आप अगर देख लेंगे तो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे भाई, जरूर देख लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और एक बार बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बीच में नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप शेयर कर देना और लाइक किए बिना मत जाना बच्चों, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ऐसे क्लास पाने के लिए हमेशा आपके पास रहेगा। लिखना, अपने से नोट्स बनाना, शेयर करना भाई। मैकडूगल का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनके सिद्धांत को बोला जाता है संवेगात्मक का सिद्धांत। सिंपल सा एक प्रश्न बनेगा, संवेग के सिद्धांत को बताने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं? जिन प्याजे हैं, पावलाव हैं, आखिर मैकडूगल हैं, या फिर कौन है भाई? इस तरह से 4-5 साइंटिस्ट का नाम देगा तो आपको बताना होगा। मैकडूगल का सिद्धांत जो है, मैकडूगल के सिद्धांत को हम बोलते हैं संवेगात्मक का सिद्धांत, या फिर संवेगात्मक विकास का सिद्धांत से बोला जाता है। भैया कंफ्यूज ना होना, पियाजे के सिद्धांत से और इनके सिद्धांत से काफी ज्यादा मैच करता है वर्ड, तौर तरीका नहीं, वर्ड मैच करता है। पियाजे के सिद्धांत को बोला जाता है संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। इनके सिद्धांत को संवेगात्मक का विकास का सिद्धांत बोला जाता है। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, संवेग, संवेग जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो संवेग करते हैं ना अलग अलग, किसी को टचिंग का संवेग होता है, क्रोध, प्रेम, भाव, बच्चे खिलखिला के हंस देते हैं, मजा आ जाता है देखकर। तो इमोशन, जहां पर इमोशन की बात हो, इमोशन जो वर्ड है इमोवर से बना है, इमोवर, इमोवर एक लैटिन वर्ड है। तो पूछा जाता है जो संवेग है यानी कि इमोशन है, इमोशन किस शब्द का, किस भाषा के शब्द से लिया, किस भाषा से लिया गया है? बताएंगे लैटिन शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है, इमोवर से बना है। तो उसमें ऑप्शन भी दे देगा आपको, इमोशन किससे बना है, इमोवर से बना है, इमूविंग से बना है, इमूवेबल से बना है, इस तरह के ऑप्शन देंगे। तो इमूवर से बना है, EMOVER, इमूवर से बना है। जिन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत कहते हैं, मैकडूगल के सिद्धांत को संवेगात्मक का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल, संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब विचारों का उथल पुथल ही संवेग है भाई। आपके अंदर प्रेम की भावना आ रही है, आपके अंदर किसी से भय लग रहा है आपको, आपके अंदर क्रोध की भावना आ रही है, आपके अंदर कामुकता की भावना आ रही है, आपके अंदर किसी को लेकर दुख प्रतीत करने की भावना आ रही है, किसी को लेकर आपके अंदर दया की भावना आ रही है, दयालु प्रवृत्ति के हैं आप, तो ये सब सारी चीजें संवेग ही दिखाता है आपके। संवेग देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? तो बोलेंगे संवेग को फील किया जा सकता है, न कि देखा जा सकता है, ठीक है भाई। संवेग अमूर्त है कि मूर्त है? मूर्त है, जिसे देखा नहीं जा सकता। संवेग एक मूर्त प्रवृत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना बच्चों। मैकडूगल ने इस प्रकार से 14 प्रवृत्तियां दी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो पूछा जाता है
मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियां दे रखी हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां दे रखी हैं। बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा है पिछले कई सालों से मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियां दी हैं संवेगात्मक का, तो 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, 14 आपके सामने लिखा गया है। हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट आए और इनके संवेगात्मक के विकास के सिद्धांत को अनेक अनेक नामों से जाने, अनेक अलग अलग कमेंट किए, अलग अलग कमिटमेंट इन्होंने किया। जैसे वुडवर्थ, बहुत बार पूछा गया है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने बोला है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजना किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है। वुडवर्थ, वुड वर्थ लकड़ी, लास्ट तक बने रहेंगे, चार क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो पिछले साल में डिपेंड था, पिछले साल आया था, ऑप्शन के साथ बेहतरीन तरीके से करेंगे चार, तो देखेंगे वैसे ही प्रश्न आएंगे। वुडवर्थ ने क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजना या फिर उत्तेजित दशा है, यह बात याद कर लेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है भाई? वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ, उनका नाम लिख देते हैं यहां पर हम, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, बस बात खत्म। इसके बाद आ जाते हैं जरसिल्ड, क्या नाम है भाई? जरसिल्ड, जरसिल्ड, जिस प्रकार से हमें याद है नाम उस प्रकार से आपको भी याद होना चाहिए। जरसिल्ड ने संवेगात्मक के विकास के सिद्धांत को किस प्रकार से व्यक्त करा है, तो याद रखेंगे किसी भी प्रकार के संवेग, किसी प्रकार के आवेग आने, जैसे कि भड़क, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने, ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं संवेग करता है, उत्तेजित हो जाना, भड़क जाना, प्रसन्न हो जाना, ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं यह अवस्था संवेग के कारण होती है। तो इस अवस्था को या इस प्रकार के लैंग्वेज को बताने वाले जर्सिल्ड थे। इसके बाद आते हैं मैकडूगल, मैकडूगल का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैकडूगल बेहतरीन शब्द बोलेंगे, संवेग प्रवृत्ति का हृदय है, जिस प्रकार से पूरे भारत का हृदय मध्य प्रदेश है, जिस प्रकार से हमारे शरीर का जो मेन है, हमारे शरीर का जो हृदय है अहम रोल रखता है धड़कने में, वो बंद तो सारी सिस्टम बंद, कहानी खत्म। इस वजह से मैकडूगल ने संवेग के प्रवृत्ति को हृदय की संज्ञा दिया है, संवेग अगर नहीं रहेगा तो आदमी मृत के समान है। संवेग आखिर प्यारे प्रेम, कामुकता, भाव, क्रोध, ये सब अगर आदमी के अंदर नहीं है, पर्सन के आदमी नहीं है, व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो उसकी जीना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इस वजह से इन्होंने बोला है कि जो संवेग है वह व्यक्ति का हृदय है, हृदय जैसा है। संवेग प्रकृति का मतलब संवेग जो है प्रकृति का हृदय है, समझ रहे ना, इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद गेट्स नाम के साइंटिस्ट आए भाई, गेट्स, गेट्स ने भी कुछ वर्ड बोला है, गेट्स लिख लेंगे भाई। गेट्स ने क्या कहा है, गेट्स ने कहा है साथियों कि संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या फिर उत्तेजित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात मान सकते हैं हम लोग, दुख हुआ तो अशांत हो गए, फेल हुए तो अशांत हो गए, पास हुए तो वाह चलो मिठाई बांटते हैं ससुराल, सुपर टेक निकल गया है, ऐसे बोलेंगे फिर। अब इसी तरह के इसी क्रम में एक रॉस नाम के साइंटिस्ट आते हैं, रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी ये पिछले साल कि पिछले साल पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है, हमारे उत्तराखंड टेट में भी बहुत पूछा गया है। रॉस, संवेग चेतना की वश अवस्था है जिसमें संवेगात्मक तत्व की प्रधानता होती है, तो संवेग उत्तेजना की वह अवस्था है जिसमें संवेगात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किसने कहा है, किसके अनुसार है, बताएंगे रॉस नाम के साइंटिस्ट के अनुसार है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न बताते हैं आपको, बस इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। 14 मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं मैकडूगल के, बस याद करते हैं, देखना उसी में छिपा हुआ है, बस रट लेना। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब आपके अंदर जो भावना है, जो चाहत है, उसे जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासा मतलब इसमें किस प्रकार का संवेग होगा, आश्चर्य का संवेग होगा, आश्चर्य, जिज्ञासा जो आपकी होगी उसमें आश्चर्य नामक संवेग उत्पन्न होगा। इसके बाद पलायन, पलायन मतलब कि भागना, मतलब भय, भय और डर लगेगा तो आप भागोगे, पलायन करोगे, तो जो पलायन है यह मूल प्रवृत्ति है और यह एक प्रकार का संवेग भय और डर का प्रकट करेगा। आगे सामूहिकता, सामूहिकता का मतलब अकेलापन, अगर आपको अकेलापन संवेग आपके अंदर आ रहा है तो मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति होगी आपकी सामूहिकता का होगा, सामूहिकता के भाई अगर अकेलापन फील कर रहे हो तो सामूहिक में रहना चाहोगे, इस तरह से याद कर लेना भाई, याद करने का सिर्फ गुण होना चाहिए आपके पास। युद्ध भाई, ये अलंकार रस अलंकार भी आपने पढ़ा होगा, युद्ध जो क्रोध आपने पढ़ा होगा भाई, क्रोध और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, हिंदी पढ़ लेना, हमने पढ़ा रखा है क्रोध, यानी युयुस्सा का मतलब भैया क्रोध, क्रोध आपका संवेग हो गया। इसके बाद आत्मगौरव, अपने गौरव, श्रेष्ठता प्रवृत्ति, बहुत अच्छी श्रेष्ठ मतलब एक तरह से कहिए भावना, श्रेष्ठता की भावना आपके अंदर अगर आती है, संवेग आता है, तो इसका मतलब आपके अंदर मूल प्रवृत्ति कैसी है भाई, आत्मगौरव का है, याद रखना बच्चों। इसके बाद संचय प्रवृत्ति, संकलन की प्रवृत्ति,
खुद जुटाने की, गुल्लक लेते हैं पैसे जुटाते हैं ना, तो संचय प्रवृत्ति मतलब कि स्वामित्व की भावना, खुद पैसे नहीं रहेंगे तो कहां से भाई जमीन लेंगे, कितना भी कमा लो कितना भी दूसरे को बांट लो, लेकिन अपने लिए कुछ तो संचित करोगे, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए। तो बस वही चीज है जो यह संचय नाम की प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, यह स्वामित्व की भावना के लिए आती है, याद रखना। यह संवेग है, दैन्य मतलब दीनता, मतलब आत्महीनता की भावना, अगर आप दीन हैं, दुखी हैं, तो आपके अंदर आत्महीनता का संवेग होगा। इसके बाद प्रतिकर्षण निवृत्ति है, यह घृणा की भावना लाता है, घृणा का संवेग देता है आपके अंदर। शरणागत, किसी के आगे आप शरण लेते हैं, किसी मंदिर में जब शरण लेते हैं, किसी मस्जिद में जब शरण लेते हैं, तो वहां पर आप कष्ट अपना सुनाते हैं, कहते हैं प्रभु आज हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, आज बहुत बुरा हुआ प्रभु, तो ये सारी चीजें क्या है, कष्ट ही तो बयान कर रहे हो। इस तरह से आप संवेग वहां पे आप दिखा रहे हो अपना, जो चीज वो आपका कष्ट का संवेग होगा, शरणागत जब होंगे आप, है ना। काम की भावना भाई, यह काम वासना सबके अंदर होता है एक समय के बाद, है ना, तो यह कामुकता किससे रिलेटेड है, इसमें कोई हमें नहीं लगता है किसी को नहीं याद हो गया। इसके बाद हास, हास की प्रवृत्ति, बच्चों हंसना या फिर प्रमोद, अमोद, प्रमोद आपने सुना होगा, लड्डू गोपाल, बच्चों आपने ये सारी जो गणेश भगवान की आरती है उसमें ये सारी चीजें हैं, ऐसे वर्ड तो आपने सुना होगा गणेश भगवान की आरती में, तो हास से रिलेटेड हंसना और अमोद प्रमोद, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 12वें नंबर पर, भोजन, भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण मतलब भूख, भूख नाम का संवेग आप करेंगे जब भोजन अन्वेषण की बात आती है। तो शिक्षुता भाई, ये याद करना है, जैसे आ गया भोजन अन्वेषण के लिए संवेग कौन सा होगा, तो उसमें आप समय वात्सल्य स्नेह सृजनात्मक रहेगा, तो भोजन अन्वेषण सृजनात्मक कहाँ से आएगा भाई, आप यही नहीं लगाओगे, ठीक, आराम से लगा लोगे, कोई निश्चिंत रहिए पूरा। शिक्षुता या फिर संतान की कामना, मतलब कि जाहिर सी बात है वात्सल्य स्नेह, वात्सल्य स्नेह बालक से ही रिलेटेड है, जो माँ एक बालक से करती है, तो मतलब अपने बच्चों से करती है चीज। रचनात्मक, जब आप रचनात्मक व्यू के हैं तो इसका मतलब सृजनात्मक की भावना आपके अंदर आएगी, क्या क्या चीजें बना लें, रचनात्मक अगर आपका व्यवहार है तो हर चीज को देखकर आप सृजन करने की जरूरत समझोगे और सृजनात्मक एक संवेग करोगे, तो ये बातें होगी ये सारी। अब हम चार प्रश्न बोलते हैं, चारों का आंसर आप दीजिएगा। चारों का चारों बच्चों पूछा गया है पिछले साल, तो आप इसको जरूर डील करेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन है श्यामपट, श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्यामपट शब्द, श्यामपट, श्यामपट लिखते समय, लिखते समय सबसे सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर एक अच्छी लिखावट, अच्छी लिखावट, आपको सोचना है यहाँ पर, अच्छी लिखावट करेंगे तो बच्चे श्यामपट पे लिखा हुआ चीज पढ़ पाएंगे अच्छे से, यह थोड़ा सोचना है आपको। दूसरी बात लेखन की स्पष्टता, इसी में बच्चों कंफ्यूज होंगे, लेखन की स्पष्टता, लेखन में अस्पष्टता, में अस्पष्टता। तीसरी बात, तीसरी बात याद रखेंगे बड़े अक्षरों में लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना। चौथी बात यहां पर आप लिखेंगे छोटे अक्षरों में लिखना, बताना इसमें से क्या सही है, आंसर फटाफट दीजिए, हम अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका यह पूछा गया था कि शरीर के आधार में, शरीर के आधार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर, शरीर के आधार में वृद्धि, वृद्धि होती है, होती है क्योंकि, क्योंकि पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, क्योंकि शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास होता है, विकास होता है। दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखिएगा एक प्रकार संवेगात्मक केवल विकास होता है, संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे केवल शारीरिक विकास होता है, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और एक और ले लेंगे बच्चों संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और एक ले लेंगे नैतिकता, नैतिक, चलिए एक और ऑप्शन ले लीजिए बच्चों यहाँ पर ले लीजिएगा आप संवेगात्मक, संवेगात्मक हो गया ना, संवेगात्मक शारीरिक। इसके बाद आप ले लेंगे संज्ञानात्मक, पियाजे वाला संवेगात्मक तो इनका है मैडुगल का, पियाजे का संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पढ़ा दिए भाई सब कुछ, बताइएगा।
पहले देखिएगा, श्यामपट्ट लिखने में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि आपकी अच्छी लिखावट होगी, तभी बच्चे समझ पाएंगे, बालक तभी समझ पाएंगे भाई। शारीरिक, शरीर के आधार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है, इस वजह से। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, अब दो और लेते हैं, दो और करते हैं ना, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो तीन तीन बार चार चार बार पूछा गया है। जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वाला मतलब कि तीसरे नंबर का मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बताना। पहला ऑप्शन ले लेना बच्चों, वंशानुक्रम। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन ले लेना बच्चों, क्या आंसर? परिवार का वातावरण, यहाँ बस अच्छे से लिख लेना इसे। ऑप्शन नंबर सी ले लेना बच्चों, परिवार की सामाजिक स्थिति, मतलब सामाजिक स्थिति का मतलब समाज में रहने का ढंग, बातचीत करने का उनको, मतलब परिवार किस प्रकार से समाज में एक तरह से अपना स्थिति प्रकट करता है, उसकी स्थिति क्या है समाज में, समाज में परिवार को लेकर लोग क्या कहते हैं आपके, इस प्रकार, इस ये भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बताना, या फिर सभी उपरोक्त सभी बताना। भैया बहुत ईजी है, आप बता लेंगे उपरोक्त सभी, बताइए इसमें ऑप्शन क्या सही है। अगला प्रश्न देखना, चौथा लास्ट बच्चों, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक राइटिंग मत जाना, बस लिख लेना, ध्यान से सुन लेना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है हमारे पास, और आप ही लोग ला सकते हैं डिजिटल बोर्ड, बस आप शेयर कर दो दबा कि हमारी फैमिली बड़ी हो और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लग जाए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे बच्चों, क्या? जन्म से दो वर्ष, दूसरा दो वर्ष से छः वर्ष, दो वर्ष से सात वर्ष, चार अवस्थाएं दिए थे ना पियाजे साहब, तो ये चारों अवस्थाएं अपने लिख लीजिए यहाँ पर, सात वर्ष से ग्यारह वर्ष की अवस्था में, या फिर चौथा लिख लीजिएगा, ग्यारह से सोलह वर्ष। भैया चार अवस्थाएं दिए थे, चारों अवस्थाएं में से कोई एक अवस्था होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, देखिए वंशानुक्रम का भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों मानसिकता पर, मानसिक विकास पर, परिवार के वातावरण पर भी इफेक्ट पड़ता है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, किस प्रकार की स्थिति है, कौन पढ़ा है, कितना पढ़ा है, अगर कोई नहीं पढ़ा है, गधा गोचर है, तो बच्चों पर भी वैसे इफेक्ट पड़ता है, गाली गलौज घर में होता रहता है दिन भर, तो उसमें बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो आप कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में जब टीचिंग करेंगे ना प्राइमरी वगैरह में, तो उसमें बच्चों की हालत देख कर ये बता देंगे कि परिवार कैसा है, तो ना इनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि बच्चों का माहौल पता चल जाता है, बच्चे अगर आते हैं पढ़ने, वैसे तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वह किस प्रकार के होंगे, आपको पता होगा। इसके बाद पारिवारिक और सामाजिक स्थिति, यह भी मायने रखता है, उपरोक्त सभी, यह राइट आंसर हमारा है बच्चों, यह राइट आंसर है। अगला देखना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। भाई संवेदी क्रियात्मक अवस्था अब हम आप थोड़े करेंगे, वही करेगा ना जो भी छोटा होगा, जन्म से दो वर्ष तक, चार अवस्थाएं इनका, पहला अवस्था जो था जन्म से दो वर्ष वाला ही अवस्था जो होगा, यह संज्ञानात्मक अवस्था के कारण बनेगी बच्चों, संज्ञानात्मक की अवस्था है भाई ना, हाँ ठीक है, यह सारी चीज़ें, तो यह चीज़ याद रखना, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न बनेंगे, घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दीजिए, बच्चों की संख्या प्रबल करिए, सारी चीज़ें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार चार बार रिविजन करिए, मैथ, हिंदी, पर्यावरण, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस के 26 लेक्चर हैं, आइए प्लेलिस्ट में तो सब कुछ भरा पड़ा है बच्चों, बस आपकी कमी है, आप इसे शेयर करें, वायरल कराएं, हमें भी थोड़ा सा खुशी है कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं बच्चों, करिए, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें जो आपके काम की चीज़ें हैं, कम से कम उसके लिए अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने मित्रों को इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, उनको कहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और डेली जो आपके लिए न्यूज़ आते हैं बच्चों उसको ज़रूर देखिए, है ना, धन्यवाद।